रविंद्र जी, यहाँ से अगर नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो ग्वार में हमने काफी शानदार रैली आते हुए देखी है। जनवरी से अब तक लगभग 100% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है ग्वार गम। अब देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन 12,000 के नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है। 4% का लोअर सर्किट ग्वार गम के अंदर और 3% का लोअर सर्किट ग्वार सीड की कीमतों में आज लगता हुआ हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो NCDX ने एक्सचेंज पर जो मार्जिन्स बढ़ाए हैं, क्या उसकी वजह से ये दबाव है या फिर फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है अभी इतने? देखिए, इसमें एक रीजन और भी है, एक्सचेंज का रीजन तो है ही है, साथ में हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जो है वो भी डाउनसाइड में मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस में हमने देखा है कि लास्ट एक हफ्ते में क्रूड प्राइसेस कम से कम 3-4% की डाउनसाइड देखने को मिल गई है, और वही चीज यहाँ पे ग्वार में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। ग्वार गम की बात करें तो हमने आज लोअर सर्किट पे कमोडिटी को मूव करते हुए देखा है, वहीं ग्वार सीड की बात करें तो इसमें भी सेलिंग बनती हुई दिख रही है, फर्दर सेलिंग इसमें विटनेस हो सकती है। ग्वार गम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो प्राइसेस 11,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और मेरे को चार्ट्स देख के जो लग रहा है वो 10,800 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में भी डाउनसाइड 6,000 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इस पे बेटर बन सकती है, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है ग्वार सीड का 5,800 के आसपास है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है, चांसेस यही रहेंगे कि ये एक रेंज में ही ट्रेड करे। जी,